इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। क्या अपडेट है हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, सीसीटीवी की निगरानी में ही होंगे बोर्ड एग्जाम। कहाँ का बोर्ड एग्जाम का बात हो रहा है आप लोग का? सीबीएसई का बात हो रहा है। सीबीएसई का सभी स्कूलों को नोटिस, तो सभी स्कूलों को नोटिस भी भेज दिया गया है सीबीएसई की तरफ से कि लगाने होंगे एचडी क्वालिटी और लो लाइट कैमरा। ठीक है, तो आप लोग का पूरा क्या न्यूज है और क्या होगा इस बार सीबीएसई बोर्ड में चेंजेस, आप लोग को पता चल जाएगा जब पूरा न्यूज आप लोग पढ़ोगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हम लोग सीबीएसई कहते हैं, ठीक है, यानी सीबीएसई ने 2025 में होने वाली 10वीं और 12वीं की 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सभी स्कूलों को एग्जाम हॉल में, देख पा रहे हो, सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। ये नियम सीबीएसई से संदर्भ सभी स्कूलों पर लागू होगा। देख पा रहे आप लोग, बोर्ड ने स्कूलों के प्रिंसिपल को भेजे नोटिस में कहा कि 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं सीसीटीवी की निगरानी में ही आयोजित की जाए। देखो, जारी नोटिस में कहा गया, बोर्ड ने फैसला किया है कि परीक्षा केंद्र बनाए जाने वाले सभी स्कूल में सीसीटीवी की सुविधा होनी चाहिए। अगर किसी स्कूल में सीसीटीवी की सुविधा नहीं है तो उस स्कूल को एग्जाम सेंटर बनाने का विचार नहीं किया जाएगा। तो ये आप लोग का अपडेट है, ठीक है। अभी और आगे डिटेल में बात करें, देखो यही आप लोग का नोटिस है, ठीक है, ये वाला आप लोग का नोटिस है, ठीक है। अब आप लोग को हम डिटेल में बात कर लेते हैं और क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। अब देखो, यहाँ से कहा गया है कि देखो, नोटिस में कहा गया है, परीक्षाओं को साफ सुथरा और नकल विहीन आयोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा सीसीटीवी नीति तैयार की गई है। जिन स्कूलों के पास सीसीटीवी नहीं है, वो अपने स्कूल को बोर्ड एग्जाम सेंटर बनाना चाहते हैं, वे समय से अपने स्कूलों में सीसीटीवी लगवाए। ठीक है, अब देखो, 44 लाख स्टूडेंट देंगे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा। आप लोग देख पा रहे हो, बोर्ड के अनुसार इस साल लगभग 44 लाख स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। देखो, परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए बोर्ड के कुछ नियम भी तय किए गए हैं। अब क्या नियम रखा गया है, देखो समझते हैं हम। देखो, यहाँ पर पहले बोला गया, ये समझो, ये बहुत ही, देखो, केवल अधिकारी ही देख सकेंगे सीसीटीवी फुटेज, ये पहला अपडेट। देखो, एग्जाम हॉल में सीसीटीवी लगवाने की जिम्मेदारी स्कूल की होगी। देखो, इनविजिलेटर जो आप लोग का वहाँ देखभाल करते हैं, मतलब देखते हैं आप लोग का एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है, आप कैसे एग्जाम दे रहे हो, कुछ इधर उधर नहीं देख रहे हो, ठीक है, को सीसीटीवी ऑपरेट करने या कोई गड़बड़ी पहचानने का पूरा नॉलेज होना चाहिए। देख पा रहे हो आप लोग, इसके बाद देख पा रहे हो, केवल तय अधिकारी को ही सीसीटीवी फुटेज देखने की इजाजत होगी। ये देख पा रहे हो आप लोग, तो मतलब कुछ सिलेक्टेड आदमी ही आप लोग देख पाएगा सीसीटीवी, ठीक है। अब यहाँ आगे क्या बताया गया है, एग्जाम हॉल के सभी हिस्से सीसीटीवी से कवर किए कवर होने चाहिए। स्कूल सभी स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को इसकी पूरी जानकारी देंगे, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा कुछ काम नहीं करना है कि चोरी वोरी, ताकि आप लोग पकड़ा जाए और आपको भविष्य में दिक्कत का सामना करना पड़े, ठीक है। अभी से आप लोग तैयारी में लग जाओ, मेहनत पे लग जाओ, क्योंकि बहुत ही, मतलब जमाना बहुत ही डिजिटल हो रहा है, ठीक है, तो आपको भी डिजिटल बनना होगा, आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ क्या बताया गया, थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, एग्जाम हॉल में होंगे पेन टिल्स जूम कैमरा, मतलब आप लोग का ये जो क्या होता है, ये एक जूम कैमरा होता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग कभी भी जूम करके भी देखा जाएगा, ठीक है, मतलब जो कुछ भी आपको डाउट होगा तो वो जूम करके भी आपको देख सकता है, ध्यान रखना आप लोग। देखो, यहाँ क्या बताया गया है, एग्जाम हॉल के सामान्य हिस्से में फिक्स्ड कैमरे होंगे, ठीक है। बच्चों के ज्यादा मूवमेंट वाली जगहों पर पीटीजेड यानी पेन टूल्स जूम कैमरे होंगे, ठीक है, तो ये एक जूम कैमरा है, ठीक है। बड़ी जगहों को कवर करने के लिए वाइड एंगल लेंस कैमरा इंस्टॉल होंगे। अब यहाँ क्या बता, देखो, कम या खराब रोशनी वाले जगहों पर लो लाइट कैमरे लगाए जाएंगे। हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए हाई रेजुलेशन मॉनिटर लगाए जाएंगे, ठीक है। सीबीएसई के नोटिस के अनुसार सभी कैमरे पूरी पूरी परीक्षा के दौरान वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। देखो, कैमरे में कोई गड़बड़ी होने पर स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी। ये आप लोग का अपडेट था, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका है। यदि आप लोग इस बार सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग अभी से तैयारी में लग जाओ। आप लोग का फरवरी के जैसे फरवरी मार्च तक आप लोग का एग्जाम शायद होने वाला है, ठीक है। आप लोग जब से अभी से आप लोग तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जैसे किसी किसी को रहता है कि नहीं, हम कुछ इधर उधर से कर लेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको खुद ही मेहनत करना होगा और अभी से करना होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है, और इस तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।